हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ बीकॉम सेमेस्टर टू दिनोदी नामा पद्धति यानी कि अकाउंटिंग सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर टू आगना दावा ना हिसाब। इस चैप्टर के अंदर काफ़ी लोग की कमेंट थी और इंस्टाग्राम पे भी कमेंट करके पूछा गया था कि सर हमें नॉर्मल और अब नॉर्मल के सम्स नहीं आ रहे, तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ नॉर्मल और अब नॉर्मल के सम को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। और उससे पहले आप सभी लोग जानते हैं कंट्री की सिचुएशन क्या चल रही है। अभी हमारी एग्ज़ाम कुछ समय के लिए पोस्टपोन की जा सकती है, तो आपको अपनी एग्ज़ाम को कंटिन्यू रखना, दैट मीन्स अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। वाई चांस जो भी डेट डिक्लेयर होगी वो आपको पता चल जाएगा, बट आप ऑनलाइन के माध्यम से सब कुछ अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। एग्ज़ाम का टाइम है और कंट्री की क्या सिचुएशन आप सभी लोग जानते हैं, इसलिए मेरा आप लोगों से कहना है कि इस लेक्चर को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज अब यूनिवर्सिटी की एग्जाम है और आज जो मैं समय एक्सप्लेन करने वाला काफ़ी आईएमपी समय। आई होप आप समझ गए होंगे आज के लेक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है। तो आज मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करूँगा एग्जाम्पल नंबर 5 का पॉइंट नंबर 4। काफ़ी लोग की कमेंट थी, इसे आपको समझना है, तो आज मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा नॉर्मल और अब नॉर्मल के सम के किस तरीके से आने वाले। दैट मीन्स गुजराती में कहेंगे सामान्य और असामान्य, तो यहाँ पर ये डिटेल दी गई, ऐसे आपको अच्छी तरीके से रीड कीजिएगा और आपकी बुक में पेज नंबर 96 पे गिवन होगा। अगर इंग्लिश मीडियम में बाई चांस एक दो नंबर आगे पीछे होंगे, मेरे पास गुजराती मीडियम की बुक है तो मैं गुजराती और इंग्लिश दोनों ही बोलने वाला हूँ, तो सभी लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो सम की स्टार्टिंग करता हूँ मैं आपके पास से सम नंबर 14 के साथ में। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे सम को अच्छी तरीके से रीड करना है। यहाँ पे ऊपर लिखा है सामान्य और असमान मानने लगता दाखला, दैट मीन्स नॉर्मल और अब नॉर्मल। तारीख 21/11/2019 ने रोज काफसी जी ना काउडान में आग लगी थी, दैट मीन्स यहाँ पर डेट ऑफ फायर जो है आग लगने की तारीख है 21 नवंबर 2019 है और यहाँ पे कुछ डिटेल दी गई है और दिया हुआ पे 2018 यानी कि यहाँ पे 2018 का स्टॉक दिया गया, ओपनिंग स्टॉक दिया गया, दैट मीन्स आई होप आप तारीख को देखकर समझ सकते हैं 2018 यानी कि ओपनिंग रहेगा और 2019 यानी कि क्लोजिंग रहेगा। यहाँ पे सभी की सभी डिटेल दी गई, इसे आपको अच्छी तरीके से रीड करना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उसे समझा दूंगा। वचावेल माल यानी कि गुड्स हमारे पास है 1500 का, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। और उसके बाद यहां पे लिखा था 31 मार्च 2019 ना रोज स्टॉक नो मूल्यांकन करती व्यक्ति, दैट मीन्स 31 मार्च 2019 का जो स्टॉक है, दैट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रही है, जिन्हें मूल कीमत 3600 रुपया थी, जिन्हों वचा बराबर रेचार ना था तो हुआ थी, दैट मीन्स ये सेल नहीं हो रहा था, बराबर बीच नहीं रहा था, 600 रुपया मांडी वाड़वा में आ गया, दैट मीन्स इंग्लिश में लिखा होगा यहाँ पर रिटर्न ऑफ वर्ड होगा कितने रुपीज 600। आ मान लो थोड़ो भाग जेनी मूल कीमत 2200 रुपया हती तेने अप्रैल 2019 में 200 ना नुकसान साथे वेचवामां आव्यो, दैट मीन्स 200 के लॉस के साथ में आपने उसे सेल कर दिए, बाकी ना स्टॉक हवे तेनी मूल कीमत आंकवामां आवशे, जो भी स्टॉक बचा होगा वो ऊपर ना आववा सिवाय काचा नफानो दर स्थिर छे, नुकसान नी दावानो पत्रक तैयार करो। आई होप यहाँ पे सम मैंने किस तरीके से रीड किया आप समझ गए। नॉर्मल हमें सम की स्टार्टिंग करनी है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिख दिया 1/4/18 से लेकर के 31/3/19 तक का मैं क्या रीड करने वाला हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि व्यापार खाता। तो यहाँ पर जो भी नॉर्मल डिटेल दी गई है हमें मैंने फॉर्मेट पहले से लिखा हुआ है, अब आपको एक एक करके एंट्री को राइट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना दिया है 25,000 यानी कि 25,000 रुपये। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पहले से लिख के रखा था 1/4/18 से 31/3/19 तक का ये व्यापार खाता यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट। तो ओपनिंग स्टॉक यानी कि व्यापार खाता हमारे पास आ चुका है, कितना आ चुका है हमारे पास 25,000। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट रीड करता हूँ मैं, यहाँ पर दिया 31/3/2019 का स्टॉक यानी कि क्लोजिंग स्टॉक दिया गया 32,000 रुपये, बट यहाँ पे 2019 की स्टॉक के लिए कुछ कहा गया है, तो जब मैं इसे रीड करूँगा तब मैं आपको स्टॉक को समझाऊंगा, तो इसे कुछ टाइम के लिए अपने पेंडिंग कर देते हैं, राइट ना। चलते नेक्स्ट, 1/4/18 से 31/3/19 तक की खरीदी यानी कि परचेज कितना है 1,33,600। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पहले से लिख के रखा है परचेज कब का है, ये 1/4/18 से 31/3/19 का कितने रुपीज़ था 1,33,600। आई होप आप समझ रहे होंगे, राइट ना। नेक्स्ट वन एंट्री देखते हैं, फिर यहां पे लिखा है 1/4/18 से 31/3/19 तक का वेचान यानी कि सेल दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 1,80,000। तो आप यहां पे मैंने ऑलरेडी पहले से लिख के रखा है सेल की एंट्री लिखी कितने रुपीज से 1,80,000, तो मैं यहां पे राइट कर देता हूँ 1,80,000। आई होप आप समझ रहे होंगे, राइट ना। नेक्स्ट एंट्री चेकआउट करते हैं और यहाँ पर दिया गया 1/4/19 से
आग लगने की तारीख, यानी कि अभी हमें यहाँ पर नहीं जाना, बिकॉज ऑफ अगला ट्रेडिंग अकाउंट रेडी करना होगा, जहाँ पे आग कब लगी, 1/4/19 को। तो ध्यान रखिएगा 31/3/19 को साल खत्म हुआ था, तो जो हमारा नया ईयर स्टार्ट होगा वो कब चालू होगा, 31/3/19 को खत्म हुआ तो नया कब स्टार्ट होगा, 1/4/19 को। इसी दिन हमारे यहाँ पे क्या लगी थी, आग लगी थी, तो मैंने यहाँ पे दूसरा भी ट्रेडिंग अकाउंट रेडी करके रखा है 1/4/19 से 21/11/19 तक। 21/11/19 क्यों लिखा, आई होप आप समझ रहे हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ पर आग लगी थी 21/11/2019 को। तो 1/4/19 को जब आग लगी थी तब तक की खरीदी कितनी है, 65,000। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पहले से लिख के रखा है, पर जो नॉर्मल वाले कॉलम में, यानी कि सामान्य वाले कॉलम में आप राइट कीजिए 65,000। पहले आपको नॉर्मल पूरा सवाल लगा लेना है और उसके बाद ही हमें कैलकुलेशन करना है। अब नॉर्मल में यहाँ पे आएगा, इसलिए डैश असामान्य यहाँ पर नहीं आएगा। फिर लिखा 1/4/19 आग ला गया, सुदिनो वेचन यानी कि सेल दिया हुआ है, कितना रुपया दिया हुआ है, 1,20,000। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पहले से लिख के रखा हुआ सेल, तो इसे मैं अंदर लिख देता हूँ। क्यों अंदर लिख रहा हूँ, बिकॉज ऑफ अभी हम कैलकुलेशन पूरा करेंगे तो आपको पूरा कन्फर्म हो जाएगा कि किस तरीके से हम सॉल्व किया जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे बचावेल माल यानी कि सेफ गुड्स कितना है, 1500, अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब चलते यहाँ पर 31/3/2019 ना रोजना स्टॉक नो मूल्यांकन करते वक्त केटलोक माल जेनी मूल कीमत 3600 रुपया थी, जेनू बराबर वेचन थतु ना हुआ थी 600 रुपया मांडी वाड़वा मावे, दैट मीन्स 3600 का सेल नहीं हुआ है, इसलिए 600 रुपीज़ क्या हुए, रिटर्न ऑफ हुए। कौन सी डेट का ये सर, 31/3/19 का। तो हमें 31/3/19 का सॉल्व करना होगा क्लोजिंग स्टॉक यानी कि आखिर स्टॉक। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से लिख के रखा है क्लोजिंग स्टॉक से, मैं यहाँ पे डेट राइट कर देता हूँ 31/3/2019। तो किस तरीके से सॉल्व करना है वो सीखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज अब यही सभी लोगों का काफ़ी कन्फ्यूजन होगा। तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 31/3/19 तक की, चेकआउट कर लेता हूँ सर। हमारे पास ये वैल्यू 31/3/19 की वैल्यू थी 32,000, जिसमें से रिटर्न ऑफ कितना है, यानी कि मांडी वाड़ेल कितना है, 600 रुपया, तो उसे आपको ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पर कोस्ट की जगह पे लिख देता हूँ 32,000, गुजराती में लिखा है मैंने पड़ता, प्लस रिटर्न ऑफ यानी कि मांडी वाड़ेल कितना है 600, टोटल आपके पास वैल्यू हो चुकी है 32,600, राइट ना। अब इसे आपके दो डिपार्टमेंट कर देने, बिकॉज ऑफ जो सेल नहीं हुआ है उसे हम कहेंगे अब नॉर्मल, गुजराती में कहेंगे असमान, और दूसरा डिपार्टमेंट हो जाएगा नॉर्मल और गुजराती में कहेंगे समान। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जिसमें से हमारे पास जो गुड्स लिखा था, क्या लिखा हुआ था, 3600 रुपया हतु जेनु बराबर वेचन थतु ना हुआ थी, दैट मीन्स 3600 का सेल नहीं हुआ है। तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी आ चुकी, 32,600। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो कितनी हो चुकी, 32,600। तो यहाँ पर मैं क्लोजिंग स्टॉक के प्लेस पे राइट कर देता हूँ पहले तो 32,600। आई होप आप समझ गए कैसे आया हुआ है, फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। कोस्ट कितना था, 32,000 था, जिसके अंदर आपको ऐड करना था रिटर्न ऑफ वैल्यू यानी कि मांडी वाड़ेल खर्चा। अब टोटल स्टॉक हो चुका है आपका 32,600, जिसमें से अब नॉर्मल यानी कि सेल कितना नहीं हुआ था सर, 3600, तो वो हो गया आपका अब नॉर्मल लॉस यानी कि असामान्य बगार। 32,600 में से 36 तो अब नॉर्मल है, तो बाकी जो डिफरेंस बचा होगा उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। तो नॉर्मल आ जाएगा आपके पास 29,000। आपके पास कैलसी, आप कैलसी यूज कीजिएगा, इसमें से इसे आपको क्या कर देना है, लेस कर देना है। तो ये आपको मिल चुका है 31/3/19 का क्लोजिंग स्टॉक। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हमें क्या करना चाहिए, सिंपल सर, हमें टोटल कर देना चाहिए। तो आप टोटल कर दीजिए यहाँ पर, 1,80,000 प्लस 32,600, आप कैलसी यूज करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2,12,600। सेम ईयर यहाँ पर राइट कीजिए 2,12,600, जिसमें से आपको ये दोनों वैल्यू को लेस कर देना है। लेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इजीली आंसर आ जाएगा 54,000, जिसे हम क्या कहेंगे, ग्रोस प्रॉफिट यानी कि जीपी, और गुजराती में हम कहेंगे काचो नफो। उससे पहले अगर आप लेक्चर पहली बार आए हैं तो लेक्चर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, बिकॉज ऑफ इट्स एग्जाम टाइम, मैक्सिमम लोगों तक ये सब पहुंचना चाहिए। और कंट्री की क्या सिचुएशन आप भी चाहते हैं और आपको भी अच्छी तरीके से समझ में आ भी रहा होगा, तो आपका एक लेक्चर काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है इस समय पर, बिकॉज ऑफ अभी कॉलेज भी आप जानते हैं क्या चल रहे हैं और मोस्टली सभी के सभी एजुकेशन सिस्टम क्या हो रहा है आप सभी लोग जानते हैं। तो लेक्चर को शेयर जरूर कीजिए नाउ टाइम।
तो कितना आ चुका है 54,000 जीपी मिल गया। अब जीपी की मदद से मैं क्या सॉल्व कर लूंगा, रेट ऑफ जीपी। तो मैंने यहां पर ऑलरेडी पहले से लिख के रखा रेट ऑफ जीपी काचा नफा अनुदर। फॉर्मूला क्या था, जीपी अपॉन सेल इंटू 100। तो हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट आपने अभी सॉल्व किया था कितना आ चुका था सर 54,000 अपॉन में बेचाने यानी कि सेल की वैल्यू आपने राइट की थी। ये रहा यहाँ पर आपका सेल कितना था सर 1,80,000 1,80,000। तो आप यहाँ पर सेल के प्लेस पे राइट कीजिए 1,80,000 एंड फाइनली इनटू 100 करेंगे। आपके पास कैलसी, आप कैलसी यूज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30%। तो ये आ गया आपका रेट ऑफ जीपी। आई होप आप समझ गए रेट ऑफ जीपी मैंने किस तरीके से सॉल्व किया। अब यहाँ पर जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आया था 31/3/19 का क्लोजिंग है, जब ये नेक्स्ट ईयर में जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। काफ़ी लोगों ने कमेंट में लिखा था कि सर हम क्लोजिंग स्टॉक से ओपनिंग स्टॉक में जाते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो मैं आपको कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ। 31/3/19 का दैट मीन 31 मार्च 2019 का जो क्लोजिंग है, जब वो नेक्स्ट ईयर में जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। बिकॉज ऑफ 31 मार्च के बाद में ऑन द स्पॉट क्या आ जाएगा सर 1 अप्रैल आ जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो हमारे पास नॉर्मल कितना था स्टॉक सर 29,000 और अब नॉर्मल कितना था सर हमारे पास था 3,600। आई होप आप समझ गए होंगे मैंने किस तरीके से यहां पर इसे सॉल्व किया। और उसके बाद चलते सम के पास, फिर लिखा था आ मान लो थोड़ो भाग जेनी मूल कीमत 2200 होती तेने अप्रैल 2019 में 200 नुकसान थी बेचवा में आवे छे। दैट मीन्स हमारा जो गुड्स कितने का था 2200 का था, 2019 अप्रैल के अंदर 200 के नुकसान के साथ में बेचा गया। ध्यान रखना मैं यहाँ पे अंडरलाइन करूँ, नुकसान यानी कि लॉस हुआ है 2200 में, 200 का लॉस है, 2200 रुपये में 200 रुपये का क्या है नुकसान है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पहले से राइट करके रखा हुआ है ग्रोस लॉस यानी कि चौकी खोट, कितने रुपए का नुकसान हुआ है हमारे पास 200 रुपए का नुकसान हुआ है, राइट ना। तो यहां पर जो 200 रुपए का नुकसान हुआ उसे मैंने ऑलरेडी पहले से लिख के रखा है ग्रोस लॉस के नाम से, चौकी खोट के नाम से, उसे मैं लिखूंगा हमेशा अब नॉर्मल के अंदर यानी कि असामान्य के अंदर। तो मैं राइट कर देता हूं यहां पर 200। आई होप आप समझ गए 200 मैंने किस तरीके से लिखा है। तो टोटल जो हमारे पास गुड्स था, कुल जो माल सामान था हमारे पास कितने रुपए का था 2200 का था, 2200 में से 200 का तो क्या है नुकसान वाला है ना। तो यहां पर मैंने सेल लिख के रखा था 1,20,000, जिसमें से जो नुकसान वाला होता है उसे हम बोलते हैं अब नॉर्मल। तो अपने पास टोटल कितना था 2200 में से नुकसान कितने का हो गया 200 का, तो हमारे पास अब नॉर्मल सिर्फ कितने का बचेगा 2000 का। आई होप आप समझ गए 2000 कैसे आया, फिर भी मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख के दिखा देता हूं। 2200 का गुड्स था जिसमें से 200 का तो आपको क्या हो गया लॉस हो गया, तो 2200 माइनस 200 कितना हो गया 2000। टोटल सेल कितना था 1,20,000 का, 1,20,000 में 2000 का क्या हो चुका है आपको नुकसान। तो नॉर्मल लॉस यानी कि सामान्य वगार आपके पास कितना हो गया 1,18,000। आई होप आप समझ गए होंगे मैंने यहाँ पर किस तरीके से सॉल्यूशन किया है। अब हमें सिंपल क्या ढूंढना होगा, अब हमें क्लोजिंग स्टॉक ढूंढना होगा, बट हमारे पास अब सेल भी आ चुका है और रेट ऑफ जीपी भी आ चुका है। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं जब हमारे पास सेल दिया गया हो, रेट ऑफ जीपी दिया गया हो, तो हमें यहाँ से न्यू ईयर का क्या मिल जाएगा ग्रोस प्रॉफिट। बिकॉज जब ग्रोस प्रॉफिट किस पे डिपेंड होगा सर, हमेशा डिपेंड होता है सेल पे। पर यहाँ पर सेल के दो टाइप है, नॉर्मल और अब नॉर्मल, सामान्य और असामान्य। पर किसका कैलकुलेट करेंगे सर, सामान्य का। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए ग्रोस प्रॉफिट यानी कि गुजराती में कहेंगे काचो नफो। तो सेल हमारे पास कितना है 1,18,000, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 1,18,000 इनटू रेट ऑफ जीपी कितना आया था हमारे पास सर 30%। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 30%, 1,18,000 का 30% करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 35,400। तो ये मिल चुका है आपको जीपी। अब हमें सिंपल क्या करना होगा सब, हमें सिंपल अब टोटल करना होगा। कर दीजिए सभी का टोटल। आप जब यहाँ का टोटल करेंगे तो आपके पास कैलसी, आप कैलसी यूज करेंगे 1,29,400 आएगा। सेम यहाँ पर करेंगे तो भी आएगा 1,29,400। उसमें से आपको लेस कर देना है 1,18,000। जब 1,18,000 लेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 11,400। तो ये आ चुका है आपका नॉर्मल का क्लोजिंग स्टॉक। सेम टू सेम अब नॉर्मल यानी कि असामान्य का भी कर दीजिए,
यहाँ पे आ गया 3600, सेम ईयर यहाँ पे भी आ जाएगा 3600, जिसमें से आपको 2200 को लेस कर देना, यानी कि 2200 लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1400। ये भी क्लोजिंग स्टॉक है पर किसका है, असामान्य यानी कि अब नॉर्मल का है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, बट पिक्चर अभी बाकी है। अब हमें सॉल्व करने को कहा गया था अमाउंट ऑफ क्लेम, तो अमाउंट ऑफ क्लेम के कितने स्टेप्स होते हैं वो तो आपको पता ही है। सबसे पहले हमें निकालना होगा स्टेप नंबर वन, लॉस यानी कि नुकसान। फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस सेफ्ड गुड्स, आखिर स्टॉक माइनस बचावेल माल। तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना आ चुका है, इन दोनों को प्लस कर देना, नॉर्मल और अब नॉर्मल दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12,800 माइनस सेफ्ड गुड्स यानी कि बचावेल माल को आपको लेस करना है। देखते यहां पर सेफ्ड गुड्स कितना दिया था सर, 1500 दिया था, 1500 रुपए दिए गए थे। तो आप यहां पे इसे लेस कर दीजिए माइनस 1500, तो आपके पास इजीली आंसर आ जाएगा 11,300। और उसके बाद हमें सॉल्व करना था अमाउंट ऑफ क्लेम। पूरे समय आपने रीडिंग किया कहीं पे मिटिगेंट एक्सपेंस यानी कि आग बुझाने खर्चा दिया था नहीं दिया था, तो स्टेप नंबर टू अमाउंट ऑफ क्लेम दावानी रकम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस ही हो जाएगा जो आपका स्टेप नंबर वन आया था। तो स्टेप नंबर वन आपका कितना आया था सर, 11,300। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि नॉर्मल एवं अब नॉर्मल का सम अगर आता है सामान्य और असामान्य का कोई भी सम आएगा तो हमें सिंपल किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। चलते हैं, अब मैं सॉल्व कराने वाला आपको एग्जांपल नंबर 5 का पॉइंट नंबर 4। इरा यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5 जिसका मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको पॉइंट नंबर 4। तो सबसे पहले सम को अच्छी तरीके से रीड कर लेते तो आपको काफ़ी आसानी से सम आ जाएगा। खरीदी परचेज दिया, ओपनिंग स्टॉक यानी कि शुरुआत का स्टॉक दिया, मजूरी बैजेस दिया, सेल यानी कि वेचन दिया, आखिर स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया, और वर्ष दरमियान नहीं बेचा था अमुक स्टॉक जिन्हें मूल कीमत 15,000 थी, दैट मीन्स ये सेल नहीं हुआ है। कितना गुड्स, 15,000 रुपये का स्टॉक सेल नहीं हुआ, बेचा नहीं है। जेब पैकी 5,000 रुपये मांडी वाड़वाना छे, आप पैकी अर्धो खर्चा यानी कि अर्धा माल 1.5 ₹500 खोटी बेचवामा आवे उचित। आप लोग समझ गए खोट आ गया, नुकसान आ गया, दैट मीन्स हमें क्या मिलने वाला हो, ग्रोस लॉस मिलेगा। तो सिंपल सबसे पहले आपको इस टाइप का एक फॉर्मेट रेडी कर देना है। मैंने यहाँ पे फॉर्मेट रेडी करके रखा है, नॉर्मल अब नॉर्मल टोटल सामान्य असामान्य और कुल। तो सबसे पहले जो जो डिटेल दी गई उसे हम राइट कर देते हैं, फिर सिंपल हमें जो सीखना होगा वो समझा देता हूँ। खरीदी हमारे पास दिया, परचेज कितना दिया हुआ है सर, 5,00,000 रुपीज दिया गया। तो आप खरीदी की प्लेस में नॉर्मल की जगह पे राइट कीजिए 5,00,000, बिकॉज अब नॉर्मल नहीं होगा। तो यहाँ पे डैश और टोटल भी कितना हो जाएगा, 5,00,000। आई होप आप समझ गए राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट डिटेल क्या दी है हमारे पास, सर शुरुआत का स्टॉक दिया गया, तो कितना दिया हुआ है, 3,30,000 रुपये दिया गया है, जिसमें से 15,000 का गुड्स नहीं बिचा है। जो गुड्स नहीं बिचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं सर, अब नॉर्मल कहते हैं यानी कि असामान्य कहते हैं। तो सबसे पहले आपको टोटल वाले कॉलम में लिख देना ओपनिंग स्टॉक के सामने 3,30,000, जिसमें से 15,000 का गुड सेल नहीं हुआ, दैट मीन्स स्टॉक बिचा नहीं, उसे हम बोलेंगे अब नॉर्मल और गुजराती में कहेंगे असामान। तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ 15,000, 3,30,000 में से आपको 15,000 को लेस कर देना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3,15,000। तो आई होप आप समझ गए मैंने यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक को किस तरीके से सॉल्व किया राइट। आगे चलते हैं, फिर यहाँ पे दिया मजूरी यानी बेजिस दिया, मैंने ऑलरेडी पहले से लिख के रखा है, डायरेक्ट टोटल वाले कॉलम में राइट कीजिए 50,000, और यहाँ पर अब नॉर्मल तो आएगा नहीं, तो नॉर्मल वाले कॉलम में भी आपको कितना राइट कर देना है सर, 50,000। अब नॉर्मल तभी आएगा, दैट मीन्स असामान्य तभी आएगा जब लॉस हुआ होगा राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट वन, सम के पास सर हमारे पास दिया टोटल सेल दिया हुआ है 10,07,000 राइट ना, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पहले से सेल का कॉलम रेडी करके रखा है, तो कुल वाले कॉलम में लिख देता हूँ 10,07,000। आप सोच रहे होंगे कि सर मैंने लास्ट वाले में यहाँ पर दो ही कॉलम रेडी किए थे, नॉर्मल एंड अब नॉर्मल, बिकॉज अब यहाँ पे दो ईयर दिए गए थे तो मुझे एक्सप्लेन करना था, यहाँ पे टू ईयर्स नहीं दिए गए, एक ही ईयर दिया गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे टोटल वाला कॉलम भी रेडी करके रखा है। तो आपको टोटल वाला कॉलम रेडी करना है जब यहाँ पे कोई ईयर की डिटेल ना दी गई राइट ना। देखते यहाँ पर उसके बाद अपने पास क्लोजिंग स्टॉक भी दिया गया, आखिर स्टॉक कितना दिया, 4,07,500। तो आप यहाँ पर ये दिया मैंने क्लोजिंग स्टॉक लिख के रखा है, तो कुल वाले कॉलम में यानी कि टोटल वाले कॉलम में राइट कीजिए आप यहाँ पर 4,07,500। आई होप आप समझ गए मैंने एंट्री किस तरीके से की। अब सम की स्टार्टिंग होगी, मेन चीज़ तो अब आपको समझना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने वाला, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा था अब आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ था
कि 15,000 का गुड्स नहीं बिचा था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया उसे अब नॉर्मल ओपनिंग के अंदर, राइट ना। और जिसमें से 5,000 रुपया मांडी वाड़वामां आवेल छे, दैट मीन्स रिटर्न ऑफ है। तो याद कीजिए मैंने क्लोजिंग स्टॉक में रिटर्न ऑफ को प्लेस प्लस किया था, बट यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट ईयर गिवन नहीं है तो आपको ये 5,000 का कोई इंपोर्टेंस का यूज करने की जरूरत नहीं है। दिया होता जरूर इंपोर्टेंट करके समझाता, बट यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप पे की 500 रुपये, आप पे की अर्धा माल, दैट मीन्स जो भी हमारे पास गुड्स था अब नॉर्मल का कितना था हमारे पास, सिर्फ 15,000 का था। तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि टोटल जो था हमारे पास वो कितना था, 15,000 का माल नहीं बिचा था, जिसमें से अर्धा माल यानी कि 50% जो होता है वो कितना हो जाएगा 7,500, 7,500 का हमारे पास जो माल था टोटल, उसमें भी हमें 500 का क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। तो 7,500 के अंदर 500 रुपये का आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है, जिसे हम गुजराती में कहते हैं आपको नुकसान हुआ है। तो नुकसान घटाने के बाद आपके पास वैल्यू ओनली कितनी आ रही है, सर ओनली 7,000 आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से लिख के रखा है ग्रोस लॉस, चौकी कोड, नुकसान हमेशा कहाँ पे आएगा, असामान्य वगार के अंदर, दैट मीन्स इंग्लिश में कहेंगे अब नॉर्मल के अंदर। कितने का नुकसान हुआ था, 500 का ना, तो आप यहाँ पे ग्रोस लॉस में राइट कीजिए 500। अब यहाँ पे टोटल भी कितना हो जाएगा, 500 आएगा, नॉर्मल तो आएगा नहीं, इसलिए क्या कर देता हूँ, डैश कर देता हूँ। तो टोटल गुड्स कितने का था हमारे पास, सर 7,500 का। तो आप यहाँ पे अब नॉर्मल गुड्स टोटल कितना था हमारे पास, 7,500 का था, पर 7,500 में 500 का तो क्या हुआ, आपको नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे अनवोनरल कितना बचेगा, ओनली सर 7,000। तो टोटल हमारे पास सेल कितना था, 10,07,000, जिसमें से 7,000 तो क्या है अब नॉर्मल असामान्य है ना, तो सेल यहाँ पे ओनली कितना बचेगा, नॉर्मल यानी कि सामान्य के अंदर सर ओनली 10 लाख रुपीस बचेंगे। सेम यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना था टोटल, 4,07,500, जिसमें से 7,500 तो 50% करने पे लॉस हुआ था यानी कि अब नॉर्मल हुआ था। तो 4,07,500 में 7,500 लेस करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 4 लाख। आई होप आप समझ गए होंगे मैंने कैलकुलेशन किस तरीके से किया। अब यहाँ पे कोई भी डिटेल नहीं दी गई, अब हमें सिंपल क्या करना चाहिए, शॉर्ट टोटल करना चाहिए। कर दीजिए टोटल, यहाँ पर यहाँ का टोटल करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 14,15,000। सेम ईयर आपको यहाँ पे भी लिख देना है 14,15,000, और यहाँ पे जितनी भी वैल्यू गिवन है आपको इसे क्या कर देना है, लेस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5,35,000। आई होप आप समझ रहे होंगे। सेम यहाँ पे अब नॉर्मल का टोटल आपको करना है, जब आप अब नॉर्मल का टोटल करेंगे तो याद कीजिए कितने का माल नहीं बिचेगा था, सर 15,000। देखो यहाँ पे भी टोटल कितना आ चुका है, 15,000। सेम ईयर यहाँ पे भी आप राइट कीजिए 15,000, और देखिए अब नॉर्मल लॉस दोनों का क्या हो गया, सेम हो चुका है। नेक्स्ट नॉर्मल यानी कि सामान्य का टोटल कीजिए, 10 लाख प्लस 4 लाख कितना हो जाएगा सर, 14 लाख हो जाएगा। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 14 लाख। सेम ईयर आप यहाँ पे भी राइट कीजिए 14 लाख, और ऊपर जितनी भी गिवन वैल्यू है ये तीनों वैल्यू को आपको लेस कर देना तो भी कितना आंसर आएगा आपका, वही आएगा 5,35,000। आई होप आप समझ गए। और डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारे पास लिंक है इंस्टाग्राम की, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आंसर है यूट्यूब से नहीं पूछ सकते तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक सेट कर दूंगा, आप वहां से जाके चेकआउट कीजिएगा और मैक्सिमम लोगों तक ये लेक्चर को शेयर कीजिए, बिकॉज ऑफ अभी सभी को काफ़ी लेक्चर की जरूरत है प्रेजेंट टाइम में, राइट ना। तो 14 लाख में से 5 लाख सॉरी अपने पास यहाँ पे आ चुका है 5,35,000। ये जो डिफरेंस बचता है उसी को हम क्या कहते हैं सर, इसी को हम कहते हैं ग्रोस प्रॉफिट, गुजराती में क्या कहेंगे, काचो नफो। आई होप आप समझ गए जीपी किस तरीके से है। इतना होने के बाद अब आपको सॉल्व करना है रेट ऑफ जीपी, काचा नफा, नो दर फॉर्मूला क्या है, जीपी अपॉन सेल इनटू 100, काचो नफो भाग्य वेचन गुणे में शो। तो हमारे पास जीपी यानी कि ग्रोस प्रॉफिट कितना आ चुका है सर, 5,35,000, वेरी ऑसम, अपॉन में सेल। सेल कौन सा लेना होगा सर, हमें सेल लेना होगा हमारा नॉर्मल वाला, कितना है हमारे पास 10 लाख। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 10 लाख, 5,35,000 अपॉन में 10 लाख एंड इनटू 100। आपके पास कैलसी, आप कैलसी यूज करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 53.5%। तो आई होप यहाँ पर मैंने नॉर्मल एवं अब नॉर्मल के सम को किस तरीके से कंप्लीट किया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आपके लव एंड सपोर्ट बनाए रखने के लिए और आगे भी ऐसे लव और सपोर्ट बनाए रख लीजिए, सभी के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।